नमस्कार दोस्तों, आज है 15 मार्च 2020 और आप सभी का स्वागत है द लेवल 10 में। और कल हमने आपसे एक रिवीजन क्वेश्चन पूछा था, जिसका आंसर आज मैं बताती हूँ आपको। कल का क्वेश्चन था कि लिविंग एंटिटी का दर्जा भारत की किस पहली लेक को मिला है। इसका सही आंसर है सुखना लेक, जो कि चंडीगढ़ में है। और यह डिसीजन पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट ने दिया है। जैसा कि आप देख सकते हैं स्क्रीन पर, एक क्वेश्चन है जो कि CAPF असिस्टेंट कमांडेंट 2017 के एग्जाम में आया था। ये क्वेश्चन है, हाईकोर्ट ने किन दो रिवर्स को लिविंग ह्यूमन एंटिटी का स्टेटस दिया है। इसका सही आंसर है यमुना एंड गंगा। और ये हमारा उत्तराखंड हाईकोर्ट ने यह डिसीजन दिया था, लेकिन बाद में सुप्रीम कोर्ट ने इस डिसीजन को स्टक डाउन कर दिया। और आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में वाल्मीकि टाइगर रिजर्व न्यूज में है या किस स्टेट में है। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, बिहार। और यह टाइगर रिजर्व न्यूज में इसलिए है क्योंकि इस टाइगर रिजर्व में ग्रासलैंड इंक्रीज हो गया है, जिसकी वजह से गोर बैक, जिसे इंडियन बाइसन, जिसे आप इमेज में देख सकते हैं भी कहते हैं, इसकी पॉपुलेशन भी इंक्रीज हो गई है। और जो हमारा ये गौर बैक या फिर इंडियन बाइसन है, ये IUCN की वल्नरेबल लिस्ट में आता है। और अब हम थोड़ा सा इस टाइगर रिजर्व के बारे में देखते हैं। यह इंडिया नेपाल बॉर्डर पर लोकेटेड है और यह बिहार के वेस्ट चंपारण डिस्ट्रिक्ट में आता है और यह गंडक नदी के किनारे है। यह बिहार का एकमात्र नेशनल पार्क और टाइगर रिजर्व है। नेक्स्ट, किस एक्ट के तहत गवर्नमेंट ने मास्क और हैंड सैनिटाइजर को एसेंशियल कमोडिटी में डाला है। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, 1955। एसेंशियल कमोडिटीज वो प्रोडक्ट या कमोडिटीज होते हैं जिसके ना होने से नॉर्मल लाइफ अफेक्ट होती है। इस प्रोडक्ट्स को एसेंशियल कमोडिटी में इसलिए डाला है ताकि हमारा जो मार्केट है उसमें ब्लैक मार्केटिंग को रोकने के लिए मदद मिलेगी। और कुछ एसेंशियल कमोडिटीज के बारे में देखते हैं, जैसे पेट्रोलियम और उसके प्रोडक्ट्स, फूड ग्रेन, एडिबल ऑयल्स, पल्स, किरोसिन, शुगर और भी कई सारे हैं जिन्हें एसेंशियल कमोडिटीज कहते हैं। और ये जो मास्क और सैनिटाइजर जो एसेंशियल कमोडिटीज में रखे गए हैं, ये सिर्फ 30 जून 2020 तक ही इस एसेंशियल कमोडिटी में रखी जाएंगी ये दोनों कमोडिटीज। और नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत कौन से नंबर का देश बना है जिसने COVID-19 के 11 स्ट्रेन को आइसोलेट किया है। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, फिफ्थ। भारत 5वें नंबर का राज्य बना है। इससे पहले जापान, थाईलैंड, US, चाइना ने COVID-19 के स्ट्रेन आइसोलेट किए हैं। ये नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी जो कि पुणे में है, उन्होंने ये आइसोलेट किए हैं। COVID-19 से निपटने के लिए वैक्सीनेशन और मेडिसिन तैयार करने के लिए यह एक महत्वपूर्ण कदम है। नेक्स्ट, वर्ल्ड कंज्यूमर राइट डे किस दिन मनाया जाता है। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, 15 मार्च। इस डे की थीम है द सस्टेनेबल कंज्यूमर। नेक्स्ट, कौन सा पोर्टल ट्रांसपेरेंट एंड एरर फ्री लैंड एक्विजिशन प्रोवाइड करेगा। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, भूमि राशि पोर्टल। ये न्यूज में इसलिए है क्योंकि मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवे ने बोला है कि इस पोर्टल के द्वारा ट्रांसपेरेंट एंड एरर फ्री लैंड एक्विजिशन हुआ है। अब हम थोड़ा सा भूमि राशि पोर्टल के बारे में जानते हैं। 2018 में मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवे ने एक सिंगल पॉइंट प्लेटफॉर्म बनाया था लैंड एक्विजिशन और इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट प्रोजेक्ट के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, एपिडेमिक डिसीज एक्ट 1897 के तहत कौन सा पहला स्टेट है जिसने नोवल कोरोना वायरस को रोकने के लिए रेगुलेशंस जारी किए हैं। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, कर्नाटका। अब हम थोड़ा सा एपिडेमिक डिसीज एक्ट 1897 के बारे में देखते हैं। एपिडेमिक का मतलब होता है महामारी। इसके अंदर 4 सेक्शन होते हैं, जैसे कि पहला सेक्शन है, अगर स्टेट गवर्नमेंट को लगता है कि स्टेट में या स्टेट के किसी हिस्से में जो अभी के लिए हमारे पास कानून है वो इतने स्ट्रांग नहीं है कि हम किसी महामारी को रोक पाए, तो स्टेट गवर्नमेंट एम्पावर कर सकती है ऑफिसर्स को जिसके पास ज़्यादा पावर हो, जिससे वह बड़े डिसीजन ले पाए।
और इसका सेक्शन टू है, इसमें सेक्शन वन को और प्रॉपरली या अच्छे तरीके से डिस्क्राइब किया गया है। और सेक्शन थ्री के अंदर जो ऑफिसर्स होंगे वो लीगली प्रोटेक्शन मिलेगी उन ऑफिसर्स को। और इसका जो फोर्थ है सेक्शन, उसमें क्या है कि जो भी पर्सन है उनको प्रोटेक्शन देनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस राज्य ने कौशल सतरंग सीएम युवा हब और सीएम अप्रेंटिसशिप स्कीम लॉन्च की है? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, उत्तर प्रदेश। इन योजनाओं का मुख्य उद्देश्य युवाओं के लिए रोजगार के अवसर पैदा करना और कौशल विकास को बढ़ावा देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा ऐसा पहला देश है जिसने सारी फॉरेन नेशनल्स का वीजा सस्पेंड कर दिया है? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, इंडिया। यह ऐसा इसलिए किया है क्योंकि COVID-19 फैल रहा है। यह 13 मार्च 2020 से लागू हो गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्राइम मल्टी एजेंसी सेंटर किस मिनिस्ट्री ने लॉन्च किया है? और इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स। इसका उद्देश्य हीनियस क्राइम की इंफॉर्मेशन कई पुलिस फोर्स में शेयर करना और यह इंटर स्टेट कोऑर्डिनेशन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आरबीआई के सेंट्रल बोर्ड का डायरेक्टर कौन बना है? इसका सही आंसर है देवाशीष पांडा। अब हम थोड़ा सा आरबीआई के बारे में देखते हैं। आरबीआई 1 अप्रैल 1935 को बना था, जिसका हेडक्वार्टर मुंबई में है और इसके गवर्नर शशिकांत दास हैं। और आज का आप सभी के लिए रिवीजन क्वेश्चन, सिप्री के अकॉर्डिंग वर्ल्ड का लार्जेस्ट आर्म इम्पोर्टर कौन सा देश है? इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में दीजिए। और एक क्वेश्चन और आप बताइए कि सिप्री, जो कि स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट है, इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? आप इन दोनों का आंसर कमेंट बॉक्स में कीजिए प्लीज़। और इसी के साथ आज का करंट अफेयर समाप्त होता है। पसंद आए तो लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और आप PDF डिस्क्रिप्शन बॉक्स से डाउनलोड कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।